ज्ञानी कौन? बहुत पुरानी बात है। किसी शहर में चार मित्र थे। वे हमेशा एक साथ रहते थे। उनमें से तीन बहुत ज्ञानी थे। चौथा मित्र इतना ज्ञानी नहीं था। फिर भी वह दुनियादारी की बातें बहुत अच्छी तरह जानता था। एक दिन उन सभी ने निश्चय किया कि वे दूर देशों में घूम घूम कर देखेंगे और वहाँ से कुछ दौलत कमा कर लाएंगे। वे चारों एक साथ निकल पड़े। जल्दी ही वे एक घने जंगल में पहुँचे। रास्ते में उन्होंने किसी जानवर की हड्डियाँ जमीन पर पड़ी देखी, जिन्हें देखकर एक ज्ञानी बोला, हमें अपना ज्ञान परखने का मौका मिला है। ये हड्डियाँ किसी मरे हुए जानवर की हैं। मुझे पता है कि इन हड्डियों को कैसे जोड़ा जा सकता है। दूसरे मित्र ने कहा, मैं इस जानवर पर मांस, खून और खाल चढ़ा सकता हूँ। तीसरे मित्र ने कहा, मैं अपने अमूल्य ज्ञान से इस जानवर को जिंदा कर दूंगा। अब तक पहले वाले ज्ञानी ने उस जानवर की हड्डियां लगा दी थीं और दूसरे मित्र ने उस पर मांस, खून और खाल चढ़ा दी थी। पर चौथा दुनियादारी जानने वाला मित्र चिल्लाया, अरे इस जानवर में प्राण नहीं डालना, यह एक सिंह है। ये कहकर झट से वह पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। किंतु तीसरे मित्र ने उसकी बात नहीं मानी और उस सिंह में जान डाल दी। जैसे ही सिंह जिंदा हुआ, वह गुर्राने लगा और तुरंत ही तीनों मित्रों पर टूट पड़ा। उसने तीनों मित्रों को दबोचकर मार डाला। चौथा मित्र अपने मित्रों की मृत्यु पर बहुत दुखी हुआ।